दोस्तों, मैं वैमत और ये प्रदीप लिविंग लाइन कंपनी से हम और हम यहाँ पे सेल्स मैनेजर है। तो आज हम बताने वाले हैं कि डार्क कॉटन पे मल्टी कलर कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आते हैं कि सर हम डार्क कॉटन पे मल्टी कलर नहीं कर पाते। एक विनायल लेके आए हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा जानकारी देंगे कि कैसे सब्लिमेशन पेपर से हम डार्क कॉटन पे मल्टी कलर प्रिंट करें। उसके तो आज हम ये सब्लिमेशन पेपर से फैब्रिक विनाइल पे कैसे प्रिंट करते हैं और ये डार्क कॉटन पे कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये सब्लिमेशन पेपर है और ये सब्लिमेशन प्रिंटर है, इसमें सब्लिमेशन का ही इंक है और ये हमने पेपर डाल दिया प्रिंटर में। और यहाँ पे हमारा डिजाइन है जो कि एवेंजर का है, इसमें सारे मल्टी कलर मतलब सारे कलर्स इसमें मौजूद है, आप चाहे जो भी ले सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल एवेंजर का ले रहा हूँ। तो ये मैं प्रिंटर से प्रिंट निकालता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंटर से हम प्रिंट छोड़ दिए और यहाँ पे अभी प्रिंट निकलना स्टार्ट हो गया। तो ये सब्लिमेशन पेपर और सब्लिमेशन इंक और ये प्रिंटर भी हमारे पास मिल जाएगा आपको। प्रिंट अपना निकल चुका है, आप देख सकते हो जैसे कि प्रिंट हमने जो छोड़ा था वही निकला। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि फैब्रिक विनाइल को हम क्वार्टर में कटिंग करेंगे और ये जो है दिखने में बैक साइड जो मैट साइड है वो कपड़े जैसा होता है और एक ग्लॉसी होता है, तो हमें मैट साइड पे इसको कटिंग करना है। तो ये हम अभी दिखाते हैं आपको कैसे कटिंग होता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं फैब्रिक विनाइल अभी कट कर रहा हूँ। ये फैब्रिक विनाइल जो है वो 18 इंच में आता है और इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो 25 और 50 मीटर में आती है। तो ये हमने कट कर दिया, अब इसे क्वार्टर में लोड कर रहे हैं हम। तो ये आप देख सकते हो कैसे लोड होता है, ये कैमियो 4 है और इसमें आप विनाइल सारे इजीली कट कर सकते हो। तो ये कैमियो 4 में लोड हो गया और साइड बाय उसके साइड में हम मशीन भी गर्म करने लगा रहे हैं। आप देख सकते हो मशीन भी गर्म करने के लिए हम रख दिए हैं और यहाँ पे जैसे कि प्लॉटर का हम जो तो हम ये अभी जो हमने इमेज ली थी वो अभी ट्रेस करेंगे प्लॉटर के आउटर एरिया कट करने के लिए। ये हम ट्रेस आउटर एज करेंगे क्योंकि हमें बाहर की बाउंड्री काटनी है। ये सेंड का जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फोर्स क्या रखा है 27 और स्पीड 3 रखा है, और फोर्स हमने इसलिए ज़्यादा रखा है ताकि जो फैब्रिक विनाइल होता है वो बाकी विनाइल के मुकाबले थोड़ा सा थिकनेस में ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कमांड रखा है फोर्स 27 स्पीड 3 और पासेस 1। फोर्स हमने इसलिए ज़्यादा रखा है 27 ताकि जो नॉर्मल विनाइल के मुकाबले फैब्रिक विनाइल होता है वो थिकनेस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो कटिंग इजीली हो, ताकि इसलिए रखा है हमने। तो ये हम दे रहे हैं कमांड सेंड करें। तो देख सकते हो दोस्तों आप ये कटिंग होना स्टार्ट हो गया फैब्रिक विनाइल और हम मशीन भी गर्म करने लगा हुए थे। तो ऑलमोस्ट मशीन भी गर्म होने आ चुका है, तो हमें रखना है इसका टेम्परेचर 350 और हीटिंग का मैं आपको 80 सेकेंड रखना है सर। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों ये कटिंग हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल दिए और इसमें अभी इसे पील करेंगे तो ये आसानी से पील हो जाता है। तो ये हमने A4 साइज का कट कर लिया, अब इस पर हमें प्रिंट करना है मैट साइड पे जो कपड़े तरह है उसके ऊपर में हमें जो प्रिंट निकाले हमने इमेज, ये इमेज इसके ऊपर मिरर इमेज देके इमेज निकला हुआ है ताकि इस पे रख के जब हम हीट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो आइए अगला स्टेप हम आपको दिखाते हैं कॉटन है। जैसे कि दोस्तों हमने जो बोला था मल्टी कलर के लिए ब्लैक कॉटन, तो ये ब्लैक टी शर्ट हमने ले लिया है और इसे हम लोग फ्यूजिंग के लिए मशीन में लगा रहे हैं। देख सकते हो आप और ये फैब्रिक विनाइल इस पे रख रहे हैं और जो हमने प्रिंट निकाले थे, हाँ ये प्रिंट जो हमने निकाला था मिरर इमेज देख के निकाले ताकि प्रिंट करते समय सीधा हो जाए। तो अब हम इसे रख रहे हैं।
ये ब्राउन टेप है जो हीट देने के, जो टी शर्ट पे जब हम रखते हैं सब्लिमेशन पेपर, तो जब हम हीट करते हैं तो उस टाइम पे हिले ना, तो इसके लिए ये ब्राउन टेप आता है जो कि यहाँ पे आप लगा सकते हो। कैची देख सकते हो, ये इस तरह से लेना है आपको। उसके बाद में ये हमने लगा दिए टेप, और उसके बाद में ये हिलेना इसीलिए टेप था, और ये ब्राउन टेफ्लॉन शीट, ये ब्राउन टेफ्लॉन शीट इसलिए रहता है कि जब आप ये रखते हो और मशीन में अगर कुछ लग जाए, टी शर्ट डैमेज ना हो कुछ, मतलब कलर्स अगर सब्लिमेशन पेपर दूसरे हीट किया हुआ इस पर ट्रांसफर ना हो, इसीलिए ये ब्राउन टेफ्लॉन शीट रखते हैं। ये ब्राउन टेफ्लॉन शीट रखते इजीली हम इसे हीट दे रहे हैं। देख सकते हैं आप 350 और 60 सेकंड के लिए हमने दे दिया ट्रांसफर होने के लिए और टी शर्ट पे हीट होने के लिए पूरा। देख सकते हो हमारा ये टाइम सेकंड खत्म होने का है, पूरा आपको तो नहीं दिखा सकते क्योंकि इससे टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, इसीलिए हम जल्द से जल्द इतना। अब ये टी शर्ट हो चुका है हीटिंग, टी शर्ट रेडी हो चुकी है जो हमने लगाया था, ये हो गया बंद, इसे कर दी हमने, और ये रहा हमारा टी शर्ट तैयार मल्टी कलर। तो देख सकते हो आप कि कितना अच्छा से आया और पूरा कलर ये आ चुका है, आप इसे देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताना कमेंट में, और अगला वीडियो हम किस पे बनाएं, ये फैब्रिक विनाइल था सब्लिमेशन पेपर, मतलब सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल से मल्टी कलर कैसे प्रिंट करें ये जानकारी था, और ये आता है रोल में, ये रोल आता है आपको 18 इंच और मीटर में 50 और 25 मीटर में आता है, और हमारे यहाँ पे कैमियो कोर हीट प्रेस मशीन और प्रिंटर ये सारे चीज मिल जाएंगे, ब्राउन टेफ्लॉन शीट और ब्राउन टेप, ये सारा रिलेटिव जिससे डीटीएफ सब्लिमेशन हीट ट्रांसफर विनाइल ये सारा चीज मिल जाएगा। तो आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर हमारे होंगे 3-4 जिस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, अगर किसी भी आपको कोई भी चीज की मटेरियल के जैसे कि हीट ट्रांसफर विनाइल डीटीएफ होगा और सब्लिमेशन का रॉ मटेरियल ये सारा चीज हम लोग सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आपको किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट हो तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, और सुबह 10:30 से लेकर शाम में 6:30 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और इसी के साथ में मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगला वीडियो हम लेके आएंगे तो जरूर आप कमेंट में बता देना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए सर।